एंड माय नेम इज कमलदीप सिंह नेजर और आज हम करने वाले हैं पैराबोला के ऊपर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जहाँ पर आपको हर एक बेसिक मिलेगी, हर एक मतलब जो भी इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल और थ्योरम होगी वो सारे के सारे हम जहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक प्यार सी स्माइल हो जाए, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो पैराबोला हमारे पास क्या होता है, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है। तो एक चीज़ ऑलवेज ध्यान रखना, हमें यदि बेसिक नहीं आते तो हम कभी भी उस टॉपिक के ऊपर मतलब अच्छे से कमांड नहीं कर पाएंगे। तो हमें हर एक टॉपिक को बेसिक के साथ करना पड़ेगा, तभी हम उसके साथ अच्छा चल पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन। तो क्या डेफिनेशन हमारे पास, अब पैराबोला होता क्या है असल में उसको जानते हैं। अब पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, अरे इसका मीनिंग क्या है, पैराबोला तो एक कलेक्शन है, कलेक्शन किसकी है, पॉइंट्स की। और कौन से पॉइंट हमने उठाने हैं, इन अ प्लेन। तो ये जो मेरा बोर्ड है, ये मेरा एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट वहाँ से पिक करने हैं। और कौन से पॉइंट पिक करने हैं, दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट। जो पॉइंट आपको उस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए इन द प्लेन। सो पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो कैसे इसको देख सकते हैं, मान लो मेरे पास एक फिक्स्ड लाइन है, ठीक है, ओके, दिस इज माय फिक्स्ड लाइन। मान लो एक मेरे पास क्या है, यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट है। अब आपके पास इस प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे, लाइक आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, डॉट मैंने यहाँ पर कर दी, बहुत सारी डॉट्स हैं, ठीक है। मान लो एक पॉइंट मेरा जहाँ पर था, एक पॉइंट मेरा जहाँ था, जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस लाइन से सेम है, तो मैंने इस पॉइंट को उठा लिया। एक पॉइंट मेरे को और मिल गया जहाँ पर, जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस लाइन से सेम है, तो मेरे को ये पॉइंट भी मिल गया। एक पॉइंट मेरे पास और था जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से और जहाँ से सेम है, तो मैंने इसको उठा लिया। एक पॉइंट मेरे पास और मिल गया जिसकी डिस्टेंस जहाँ से और जहाँ से सेम है, मेरे पास एक और पॉइंट है हल्का सा जिसकी डिस्टेंस जहाँ से इस तक सेम है, मेरे पास एक और पॉइंट है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, मैंने पॉइंट दूर दूर लिए हैं, लेकिन असल में ये पॉइंट बहुत पास पास होते हैं। तो ये हमारे जो पॉइंट है जो हम यहाँ पर पिक करें, इन पॉइंट्स को आप पिक कर लो, मीन इनका लोकस ले लो। तो जैसे हम इनका लोकस लेंगे, लाइक हम इनको मिलाने की कोशिश करेंगे इस तरह से, ये पॉइंट कौन सा पाथ कवर कर रहे हैं इस तरह से हमारे पास, तो एक इस प्रकार की हमारे पास लाइन बनेगी। तो दिस लाइन इज नोन एज अ पैराबोला, सिंपल। सो इट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला, कि पैराबोला में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट ऐसे हमने पिक करने हैं जिन पॉइंट की डिस्टेंस किसी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से उनकी डिस्टेंस क्या हो, सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। लाइक यदि मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा पॉइंट पी है, ठीक है, तो आगे चलते हैं इस डेफिनेशन को। सो दिस फिक्स लाइन को हम बोल देते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स होता है। और जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है बेटा जी, वो हमारे पास होता है फोकस, उसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ द पैराबोला और एफ से डिनोट करते हैं। और अब हमारे पास यदि मैं जहाँ पर पी पॉइंट लेता हूँ, मान लो जहाँ पर जो हमने पॉइंट पी करा वो एस है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास पी की एस से डिस्टेंस इज इक्वल टू पी की डिस्टेंस एफ से होगी, ठीक है। यदि इसको एस वन कर सकते हो, मान लो जी हमारा क्या था, एस टू पॉइंट था, नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये हमारा पी वन पॉइंट था, ये मान लो हमारा पी टू पॉइंट है, तो आपकी पी टू की जो डिस्टेंस है एस टू से, वो पी टू की डिस्टेंस होगी एफ से, दोनों सेम होगी। यदि हमारा ये पॉइंट पी थ्री है, ठीक है, तो ये हमारा एस थ्री मान लो, तो हमारे पास क्या होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पी थ्री की डिस्टेंस एस थ्री से इज इक्वल टू पी थ्री की डिस्टेंस एफ से होगी। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला जो कि हमारे पास 11th स्टैंडर्ड में चलती है। तो यदि हम वहाँ पर ही पैराबोला को अच्छे से करते तो हमारा काफ़ी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। तो ध्यान देना, हमारे पास क्या है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, तो हमने क्या करना, उन पॉइंट को ट्रेस करना है। तो हमने लोकस ऑफ दैट पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता, उस पॉइंट का जैसे आप लोकस लेंगे, और लोकस होता क्या है, दैट इज द पाथ ट्रेस बाय द पॉइंट। जो भी पाथ है वो पॉइंट ट्रेस कर रहा है, तो उस पॉइंट के पाथ को हम क्या बोल सकते हैं, उसका लोकस। तो जैसे वो पाथ आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास एक कर्व बनेगी, आपके पास एक कर्व बन जाएगी, और इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक, ठीक है। और यदि आप पैराबोलिक की और डेफिनेशन को समझना चाहते हैं, पैरा और बोला, इसका दो मीनिंग होते हैं। पैरा का जो मीनिंग होता है हमारे पास डियर्स, वो होता है, पैरा का मीनिंग हमारे पास होता है फोर, ठीक है। हमारे पास पैरा का मीनिंग होता है फोर, एंड बोला का मीनिंग होता है हमारे पास, एंड डेट इज इसका मीनिंग हमारे पास होता है थ्रोइंग।
तो इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, जो वर्ड बनता कहाँ से, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो मेरे शब्दों को, हर चीज़ हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या होता है, पैरा मीन्स फोर होता है, बोला मीन हमारे पास थ्रोइंग होता है, दैट इज द शेप डिस्क्राइबिंग डिस्क्राइब करें जी, एक ऐसी शेप होती है जो हमें पास डिस्क्राइब करती है व्हेन थ्रो अ बॉल इन एयर। जब आप कोई भी बॉल को थ्रो करते हैं एयर के अंदर, सपोज आप इस कैप को थ्रो करने वाले हैं, यहाँ से आपने थ्रो करा तो ये कौन सा पाथ कवर करेगा, दैट इज नोन एज अ, हमारे पास दैट इज नोन एज अ पैराबोला। तो जो भी इसका जो पाथ है डिस्क्राइब करने का, वो ऑलवेज आपके पास इस प्रकार के से होगा। और ये हमारे पास फोर टाइप के होते हैं, ठीक है, उनको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर हम टर्म यूज करते हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अभी हमारे पास ये क्या है, पैराबोला है जी, हमारे पास क्या था, फिक्स पॉइंट था, ठीक है। मान लो ये हमारा फिक्स पॉइंट है, मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा दूर कर दिया है, आप इसको पास भी कर सकते हो, ये ज़्यादा दूर हो गया हमारा, ओके, यहाँ जितनी डिस्टेंस यहाँ से है तो उतनी डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है, जहाँ पर भी, ठीक है। दिस इज अवर डायरेक्ट्रिक्स। तो हमारे पास एक फिक्स लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स, एक हमारे पास क्या होता है, फोकस होता है, एफ ओ सी जिस फोकस, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसकी एक्सिस क्या होती है, व्हाट इज द एक्सिस, हमारे पास क्या है, बोज एक चाहिए हमें, और हमारे पास वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं, लेटेस्ट हमारे पास रेक्टम क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, फिर आगे उनको फिर से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है बेटा जी, एक लाइन होती है जो आपकी फोकस से पास करती है, मतलब फिक्स पॉइंट से पास करती है, और साथ में इट इज़ परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। यदि वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है देन दैट लाइन इज नोन एज अ एक्सिस, बिकॉज आपके पास इस प्रकार की इस फोकस से पास करने वाली बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं। इस प्रकार से ये लाइन भी पास करती है, ये लाइन भी पास करती है, साथ में ये डायरेक्ट्रिक्स को किसी ना किसी और एंगल से कट करती है। तो देयर आर सो मेनी लाइन्स विच पासिस थ्रू द फोकस एंड इंटरसेक्ट विद द डायरेक्ट्रिक्स, बट द लाइन विच पासिस थ्रू द फोकस एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज नोन एज द एक्सिस। आपके पास बहुत सारी लाइन हो सकती है, लेकिन एक ऐसी स्पेशल लाइन जो इसमें से पास करे और साथ में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द, हमारे पास पैराबोला हो जाएगी। तो दिस इज द डेफिनेशन, आप लिख लेना, अ लाइन पास थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, नंबर वन। उसके बाद वर्टेक्स क्या होता है इसका, जो हमारे पास वर्टेक्स होता है इसको ध्यान से सुनना, वर्टेक्स क्या होता है, आपके पास ये पैराबोला है, ये आपकी एक्सिस है, आपका पैराबोला और एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो उसको आप बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज अवर वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है आपके पास, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम कैसा होता है हमारे पास, लेटेस्ट रेक्टम आपके पास एक लाइन सेगमेंट होती है, लाइन आपके पास कैसी होती है, जो दोनों तरफ इंक्रीज करती है, और जो सेगमेंट होता है वो हमने कट करा होता है कि उसकी एक फिक्स लेंथ हमने वहाँ से उठाई होती है। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, एक तरह से हमारे पास लाइन का सेगमेंट होता है बेटा जी, जो फिर से आपका फोकस से पास करता है, साथ में फोकस से पास करता है, साथ में कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है, बिकॉज जहाँ पर बहुत सारी लाइन्स आपके पास हो सकती है जो फोकस से पास करती है और आपके पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है। फिर से सुनना, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करती है, पैराबोला को इंटरकट करती है एट टू डिफरेंट पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर कट करेगी, एक इस पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है। तो ऐसे भी आपके पास बहुत सारी लाइंस हो सकती है, इस प्रकार से आपके पास बहुत सारी लाइंस यहाँ से पास कर सकती है, लेकिन वो लाइन एक ऐसी लाइन जो आपकी पास भी करती है और साथ में एक्सिस के साथ कितने एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर। सो अ लाइन passes through the focus, intersecting at two different points to the parabola and perpendicular to the axis is known as the latest rectum. तो ये इसकी different different term थी जो हमने यहाँ पर use करनी होती है, ठीक है। तो very basic के अंदर हमारा यही चलेगा। तो अब मैं आपको एक चीज़ करवाता हूँ, ड्राइव, इसकी जो इक्वेशंस होती हैं जो हम याद करके रखते हैं कि y square is equal to 4ax, हमारे पास कैसा होता है, दैट इज अ राइट पैराबोला होता है, y square is equal to -4ax हमारा लेफ्ट पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर हमारे पास 4ay अपर पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हमारे पास कैसा है, डाउन पैराबोला। तो एक चीज़, दीज ऑल आर द इक्वेशन जिस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला की होती है, जिनका जो वर्टेक्स होता है बेटा जी, वर्टेक्स से जो पॉइंट है वो ओरिजिन होता है। यदि आप वर्टेक्स को 0, 0 जहाँ पर पुट करेंगे तो ये सारे सेटिस्फाई करेंगे।
सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स एट, जिनका वर्टेक्स किस कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, जिनका वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। तो मैं एक आपके लिए जहाँ पर करवाना चाहता हूँ कि हम और वर्टेक्स यहाँ पर ओरिजिन पर है एंड इसका फोकस हमारे पास ही है, तो हम एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ इसको जहाँ पर करेंगे, डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इस वीडियो को आप फुल देखेंगे, आपके पास एक प्रॉपर आई थिंक 40 मिनट के आसपास की वीडियो होगी, और मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फर्दर जो भी पैराबोला की वीडियोज़ है वो सारी की सारी पेड कोर्स के अंदर आएगी, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं और बच्चों की डिमांड है कि उनको हर एक क्वेश्चन चाहिए, तो वो पे करने के लिए रेडी है, ठीक है। बिकॉज यूट्यूब पर आप मतलब डेली कितना कंटेंट डाल सकते हो उसके लिए एक लिमिट होती है आपके एफर्ट्स की, लेकिन यहाँ पर हमें एफर्ट्स जो है अनलिमिटेड करने होते हैं, कोई लिमिट लेस करने होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा तो बढ़ता है, ठीक है। तो यदि आप इस वीडियो को प्रॉपर देखेंगे और आपको आइडिया होगा कि किस प्रकार से हम इसे करेंगे, सो इन फर्दर मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा कि कैसे आपने मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है इफ़ यू वॉन्ट टू डू एनालिटिक ज्योमेट्री, ठीक है, कोर्स लेना चाहते हो पेड़, जैसे हमारा एनालिसिस का ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखेंगे और लास्ट में हम उसकी बात कर लेंगे, अदरवाइज आप मेरे को कमेंट पर पूछ लेना। तो अब हमें क्या करना है, ड्राइव इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बिकॉज बहुत निके निके स्टेप होते हैं, यदि हम ब्रिकी से हर एक स्टेप को डाउन से स्टार्ट करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग हमारा जो है पूरी का पूरा क्लैरिटी बन जाएगी। अब पैराबोला को यदि आप ड्राइव करना चाहते हैं तो आपको एक फोकस लेना पड़ेगा, तो लेट करा मैंने क्या करा, एफ फिजिकल टू हमारे पास कैसा है, ए कॉमा जीरो विद द फोकस ऑफ पैराबोला, एक फिक्स पॉइंट आपको चाहिए, बी दे हमारे पास कैसा है, विद द फोकस, ठीक है, तो और विद फोकस और ऑफ पैराबोला, और एक हमें क्या चाहिए, वर्टेक्स हम इसका कंसीडर कर लेते हैं ओरिजिन, एंड हमारे पास कैसा है वर्टेक्स, आप इसका कर लो बी हमारा कैसा है, जीरो जीरो है। तो जैसे मैंने दो पॉइंट कंसीडर करे तो मान लो मेरे पास दिस इज द इक्वेशन पैराबोला टाइप है, ये मेरा वर्टेक्स है जहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दिस, तो दिस इज माई वर्टेक्स जो कि ओरिजिन पर है, और दिस इज अवर एफ जो कि ए कॉमा जीरो पॉइंट पर है। अब एफ, अब हमें पता है कि जो भी हमारा डायरेक्ट्रिक्स होता है, यदि आप मान लो कि आपका जो आप पी पॉइंट वेरिएशन लिखते, पी हमारा जहाँ पर भी हो सकता है, पी हमारा जहाँ पर भी हो सकता है, पी हमारा जहाँ पर भी, यदि पी जहाँ पर है तो जहाँ पर डिस्टेंस कितनी है फोकस की, एक्स इक्वल टू ए, तो उस पी की डिस्टेंस फोकस से और फिक्स लाइन से सेम होते हैं, तो यदि जहाँ से एक्स इक्वल टू ए तो बैक आप कितना आएंगे, जहाँ पर आपको यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस ए आना पड़ेगा, मान लो आप जहाँ पर आ रहे, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो जी आपके पास क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस ए आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। फिर से मैं समझाता हूँ, हमने इसकी डेफिनेशन कर दी कि जो भी आप पी पॉइंट लेंगे उस पैराबोला के ऊपर उसकी एफ से डिस्टेंस और इस फिक्स लाइन से सेम होनी चाहिए, तो पी की वेरिएशन तो एक पॉइंट पर पी आपका वर्टेक्स पर भी पहुंचेगा, और इस वर्टेक्स की एफ से डिस्टेंस मैंने कितनी ली हुई है, ए कंसिडर करी, यदि ये हमारा ए है तो जहां पर हमारे पास माइनस ही होगा, माइनस का मीनिंग आप लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, यदि आप 5 यूनिट राइट है वर्टेक्स से तो 5 यूनिट आपको लेफ्ट होना पड़ेगा, तो 5 यूनिट लेफ्ट आपका डायरेक्ट्रिक्स वहां पर आपको मिल जाएगा। तो हमने ये कंडीशन सेट कर दी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी अ वेरिएबल पॉइंट, लेट हमने क्या करा, पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, तो हमने इसको पैराबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट डिसाइड कर लिया, फर्क नहीं, आपको समझ में आ गया डेफिनेशन हमें लगाने। अब P पॉइंट ये आपका है, F यहाँ पर पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ पर S को टच करेगा, अब S के कोऑर्डिनेट कितने वो ध्यान देना, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ X, S के डिस्टेंस कितने कोऑर्डिनेट क्या है, बिकॉज यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कितनी है, X इक्वल टू माइनस ए, तो इसका जो X वाला कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा आपके पास, माइनस ए होगा, एंड वाई कितना होगा, जित बिकॉज जहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हुआ है, तो जितनी हाइट जहाँ पर पी की है कितनी है, वाई है, तो इसकी डिस्टेंस भी वाई ही होगी हाइट, दोनों पॉइंट की हाइट तो सेम है, बिकॉज आपने P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है जहाँ पर, तो जितनी हाइट P की होगी x एक्सिस से उतनी ही हाइट इस पॉइंट S की होगी उस डिस्टेंस से, तो ये आपका y है जहाँ पर ये तो हमारा वेरिएबल है, बिकॉज वेरी कर रहा है तो x रखा है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आपके पास x की डिस्टेंस वो सेम रहती है जो कि माइनस है। सो बाई डेफिनेशन हमारे पास क्या होगा, वाई डेफिनेशन जो भी हमने करी हमारे पास P की S से डिस्टेंस इक्वल टू P की F से डिस्टेंस होगी, P of S is equal to हमारे पास P of F होगा। अभी तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो पी एस हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस a की स्केयर, एंड हमारे पास y माइनस y की स्केयर आ जाएगा, एंड दूसरी साइड हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे
तो यहाँ पर आपके पास x माइनस a की स्क्वेयर एंड प्लस y माइनस जीरो की स्क्वेयर, दोनों पास है, आपने दोनों तरफ क्या करना है, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग कर दो, उसके बाद हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x प्लस a की स्क्वेयर, जहाँ से जो कैंसिल हो जाएगा y माइनस y, तो x माइनस a की स्क्वेयर प्लस हमारे पास जहाँ से y की स्क्वेयर आ जाएगा, ओपन द स्क्वेयर रूट, यहाँ पर इनको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस टू ए एक्स प्लस आपके पास वाई स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो आपका एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, आपका ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आपका माइनस का इस साइड आ जाएगा, तो आपके पास वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, जो आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला ड्राइव हो जाती है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखो जो हम याद रखते हैं बेसिकली वो सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले से और डेफिनेशन की हेल्प के साथ हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। फिर से सुनना, जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम याद करते हैं वो असल में सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला और उसकी डेफिनेशन की हेल्प के साथ ड्राइव की जाती है। अब आपने इसको खुद से कर लिया, अब आपको कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जी हमने ऐसे करा था, ठीक है। तो दिस इज द हमारे पास इक्वेशन ऑफ राइट पैराबोला। यदि आप इसको लेफ्ट करना चाहते हो तो लेफ्ट के लिए भी मैं आपको आइडिया देता हूँ, आपने खुद से ड्राइव करनी है लेफ्ट की इक्वेशन। लेफ्ट पैराबोला की आप कैसे ड्राइव करेंगे वो भी बता देता हूँ, इतना तो आपने कर लिया होगा, ठीक है, इसको पहले। ओके, तो थोड़ा सा और आइडिया देते हैं, बिकॉज आज फर्स्ट लेक्चर है तो हम इसको बहुत ही बेसिक से साथ करेंगे। तो ये आपका ऐसा कुछ होगा, ठीक है, जहाँ पर आपका मान लो जी जीरो जीरो है, तो आपने नेगेटिव एक्सिस की और लेना, तो एफ को आप कंसिडर कर लो कि आपका जो एफ पॉइंट है यहाँ पर वो है माइनस ए कॉमा जीरो। तो यदि माइनस ए कॉमा जीरो है, इतनी डिस्टेंस कितनी है, एक्स इक्वल टू माइनस ए, दिस द डिस्टेंस ऑफ एफ। तो आपके पास यहाँ पर ओरिजिन से दूसरी साइड एक्स इक्वल टू ए पर क्या होगा, आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा, जहाँ पर आपका डायरेक्ट्रिक्स आपको मिल जाएगा एक्स इक्वल टू ए, ये ऑलवेज ओपोजिट चलेगा जहाँ पर हमारा फोकस है। फिर से वही से पॉइंट कंसिडर करना, कोई एक पॉइंट कंसिडर करना, उसकी जहाँ से डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस से इक्वल कर देना। डोंट मतलब इस डायग्राम के ऊपर मत आना, मेरी फीलिंग को समझो जो हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो हमारी बेसिक डेफिनेशन हो चुकी है, उसके बाद जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो अब आपके सामने दिखाई दे रहा है दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि हमें ये आ जाता है ना तो हमारे काफ़ी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इसे देख सकते हैं जहाँ पर मैंने लिखा हुआ हेडिंग दिया है, इक्वेशन है हमें कोई भी मेन डिफरेंट हमारे पास क्या है, रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट पैराबोलास। तो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसी है, तो फिर उसकी एक्सिस क्या आएगी, उसका डायरेक्ट्रिक्स कैसा होगा, वर्टेक्स कैसी होगी, फोकस कैसा होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स कैसी होगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसा होगा, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसी होगी, और एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे होगी। तो दीज ऑल आर द थिंग्स, हमारे पास फोर टाइप्स के होते हैं, तो सारे का सारा टेबल आपके सामने ही जहां पर बन जाएगा। वन बाय वन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। यहां पर टाइम देते थोड़ा सा, बिकॉज हम यही तो भूल जाते हैं अक्सर, यही तो बातें जो हमें याद रखनी होती हैं पैराबोला के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैंने बेसिक पैराबोला डिफाइन कराया आपके सामने, दिस इज द बाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, ठीक है, ये मेरा इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाती है। तो इसकी जो एक्सिस है वो मेरे पास क्या है, इसकी एक्सिस क्या है बेटा, हमारे पास एक्स एक्सिस है। इसकी एक्सिस कैसी है, हमारे पास जो हमारी एक्स एक्सिस है वो हमारी क्या है, इसकी एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपको पता है बाई के पॉइंट कैसे होते हैं, जीरो। यदि आप इक्वेशन लिखना चाहते हैं एक्स एक्सिस की, तो उसकी इक्वेशन कैसी होती है, वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड जो आपकी वाई एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन कैसी होती है आपके पास, एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज अ पॉइंट, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर इसको ओरिजिन के साथ इसको हम ऐसे फ्रेम तैयार कर लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस, ठीक है, यदि हम ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या है, टी बाई स्क्वायर फोर एक्स हमारा पैराबोला हो गया, फोकस हमारे पास एफ ए जीरो है, ये हमारा वर्टेक्स है जीरो जीरो, इसका वर्टेक्स कैसा है, इसका जीरो जीरो हमारे पास है, और डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है, जो हमारे पास इसकी इक्वेशन ऑफ फोकस की डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से, ए है, तो इसकी भी ए होगी, लेकिन वो कैसा होता है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो इक्वेशन ऑफ आपके पास डायरेक्ट्रिक्स कैसी होगी, दैट इज आपके पास एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। यदि फोकस आपका पॉजिटिव ए है तो आप उसके सामने बस माइनस लगा दो, आपका हो जाएगा। तो फोकस कितना है इसका, हमारे पास ए कॉमा जीरो है। एक्सिस कैसी है, एक्स एक्सिस है, लेकिन उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू जीरो टाइप लिखते हैं।
और टेंजेंट एट द वर्टेक्स। अरे वाह, ये तो इंपॉर्टेंट है। ये आपकी वर्टेक्स है, ये आपका पैराबोला। तो टेंजेंट कैसा होता है, एक लाइन होती है जो सिर्फ सिंगल पॉइंट पर टच करती है। तो ये अभी हमारा कैसा है, ये हमारी बाई एक्सिस जो हमारे पास है, हमारे पास बाई एक्सिस इज टेंजेंट एट द वर्टेक्स टू द पैराबोला। और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक्सिस इक्वल टू जीरो होता है। ये भी हो गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हर एक बच्चे को पता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होती है, 4a होती है। लेकिन मैं वो आपको बताता हूँ अभी कैसे। लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो कि फोकस से पास करती है और परपेंडिकुलर टू द फोकस होती है। मान लो जी हमारे पास, यदि हमारे पास डिस्टेंस जहाँ पर a है, ये हमारा a पॉइंट है, मान लो जी हमारा पॉइंट b है, और जो आपके पास राजे पैराबोला होता है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट एक्स एक्सिस। तो यदि आप इस पॉइंट से जितना आप ऊपर चल रहे हो, यदि आपके जो पास लाइन परपेंडिकुलर है, तो जितनी डिस्टेंस आपके पास AF होगी, जितनी आपके पास AF है, उतना ही आपके पास BFI दोनों सेम आपके पास चलेंगे, बिकॉज जो आप पैराबोला करते हो वो सिमेट्रिकल ड्रॉ होता है। ठीक है, नंबर टू, अब यदि आपके पास जहां से लेकर जहां तक डिस्टेंस कितनी है a, तो इसका मीनिंग इसके क्वाड्रेंट कैसे होंगे a, लेकिन मेरे को y वाला हाइट नहीं पता, वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये इक्वेशन कैसी है आपके पास, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और जो आपका जो पॉइंट a है वो आपके पास क्या है, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एंड साथ में वो क्या है, पैराबोला के ऊपर लाई करता है। तो इस a पॉइंट जो कि हमारे पास अभी कितना है a, y, इस पॉइंट को इस पैराबोला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y की वैल्यू तो y स्क्वायर रहेगी, एंड यहाँ पर 4a, और x कितना आ गया हमारे पास, a आ चुका। सो y कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 4a स्क्वायर। सो y कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2a आ जाएगा। तो 2a का मतलब इसका जो क्वाड्रेंट होगा a का वो कैसा होगा, a कॉमा 2a होगा, ऊपर को प्लस हमारे पास 2a, और b कैसा होगा, a कॉमा माइनस 2a हमारे पास होगा। सो दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो भी मैं आपको जहां पर बताने वाला था कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे आएंगे, x की वैल्यू a है और y की वैल्यू प्लस माइनस 2a आ जाएगी। प्लस बोले तो आपका जी अपर वाला पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यदि हम माइनस की बात करें तो हमारे पास ये b पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी है, वो तो सिंपल हो गया, आपको पता चल गया कि इस लाइन से a पॉइंट की हाइट कितनी है हमारे पास 2a, और इसकी हाइट भी कितनी है 2a। यहाँ पर जो नेगेटिव का साइन वो हमें सिर्फ डायरेक्शन शो करता है कि हम कहाँ पर है, हम डाउनवर्ड है, तो नेगेटिव में डायरेक्शन है, अदरवाइज इसका मैग्नीट्यूड 2a है, इसका भी मैग्नीट्यूड 2a, तो टोटल आपके पास AB की लेंथ कितनी होगी, 2a प्लस 2a, दैट इज ऑफ 4a। तो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो होती है वो हम 4a कंसीडर करते हैं ऑलवेज। तो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी हो जाएगी, 4a हो जाएगी। और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होती है राजे, इक्वेशन बोले तो लाइन की इक्वेशन हमने बतानी है। अब ये लाइन आप कैसे प्लॉट करते हो, जहाँ पर हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू a है, तो इसकी लाइन भी हमारे पास x इक्वल टू a होगी। इसका मीनिंग हम ओरिजिन से x इक्वल टू a पर जाएंगे, फिर हम वहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो हमारा x इक्वल टू a क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी हमारे पास x इक्वल टू a। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमने कहाँ पर करी, y इक्वल टू 4x के लिए करी। अब देखा है, इसको देख कर ही मैं आपको बाकी के भी जहाँ पर बता देता हूँ, चारों के चारों डायग्राम की हेल्प के साथ और इसकी हेल्प के साथ, सो दैट कि आपको जो ऑलवेज याद रहे। ठीक है, ये काफ़ी आसान होते हैं। देखो जैसे मैं आपको जहाँ पर बताता हूँ क्या चेंजेस आएंगे, हमने अभी करा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमने करा, अब हमारा यदि लेफ्ट होता तो हमारे पास वाई स्क्वायर कितना होना था, माइनस 4ax होना था। और अब हमारी एक्सिस कैसी है, एक्सिस तो आपकी सेम ही चलती है, यदि आप इसकी डायग्राम को ऐसे कर लेते हो एक्सिस तो आपकी सेम ही चलेगी ना, सिर्फ फर्क कितना पड़ेगा, आपका फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, वो आपका माइनस ए कॉमा जीरो हो जाएगा इस प्रकार से, जो आपका लेफ्ट पैराबोला है। तो आपकी जो एक्सिस है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो डायरेक्ट्रिक्स है अब वो किस साइड चला जाएगा, यहाँ पर फोकस आपका जो है, ये आपका यदि ओरिजिन है जहाँ पर, ठीक है ओरिजिन, तो यदि ये डिस्टेंस x इक्वल टू माइनस है तो डायरेक्ट्रिक्स आपका x इक्वल टू a डिस्टेंस पर होगा, वो चेंज कर लेगा, बस आपने a को माइनस a से रिप्लेस कर देना, तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होगा x इक्वल टू a डिस्टेंस पर, वर्टेक्स आपके हर एक केस में 0-0 चल रही है, फोकस अब आपका पहले था इस पास आपका राइट साइड पर था, अब आपका फोकस लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, तो माइनस a कॉमा 0 है। टेंजेंट एट द वर्टेक्स आपके पास कैसी है, वो आपके फिर से y एक्सिस है, दैट इज x इक्वल टू 0 रहेगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपका 4a रहेगा, एंड इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जो आपकी इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बना, वो कहाँ से पास करती है, फोकस से, अब फोकस आपका x इक्वल टू माइनस a पर है, तो आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी वो आएगी x इक्वल टू
माइनस ए आ जाएगी एंड जो एंड पॉइंट है आपके पास वो कैसे होंगे, अब आपका जो जहाँ पर x है ना वो भी माइनस ए है तो जे आपका 2a तो रहेगा माइनस, तो जहाँ पर आपके पास माइनस का a एंड प्लस माइनस 2a साथ में आ जाएगा। सो दिस ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो इतना आप लिख लो। फिर हम क्या करते हैं कि यदि हम पैराबोला को अपर और डाउन करते हैं फिर कैसे हमारे पास आंसर आएंगे वो भी आपको मैं डायग्राम के साथ भी समझा देता हूँ और लिख भी देता हूँ, ठीक है। पहले डायग्राम के साथ एक समझाता हूँ फिर हम उसको इजी वे में समझ लेंगे। अब जो अपर पैराबोला है मान लो वो हमारे पास ऐसा है, ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी वर्टेक्स होगी जिसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया एंड ये हमारा वाई एक्सिस है, और जहाँ पर यदि आप इसका फोकस जहाँ पर करते हो फोकस देखना आपके पास कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर, तो एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होगा वाई की वैल्यू ए होगी, तो इसके नीचे आपके पास लाइन आ जाएगी, यदि आपकी ये हाइट ऊपर को है तो जो वाई है सो वाई इज इक्वल टू माइनस ए नीचे आपका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। तो जहाँ पर इस प्रकार से हम चलेंगे और इसके जो लेटेस्ट वेक्टर होंगे वो जहाँ पर एक लाइन होगी इस प्रकार से कट करेगी, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन ले रहे हैं एक्स इक्वल टू फोर ए वाई, अब आपका वाई एक्सिस कैसा है, एक्सिस है हमारे पास, सो एक्सिस कैसी है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस की इक्वेशन कैसी होती है एक्स इज इक्वल टू जीरो होती है हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स कितना चला जाएगा हमारे पास, यदि हमारा फोकस जीरो वे है तो डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा वाई, तो अब वाई एक्सिस के ऊपर काम करें तो वाई इज इक्वल टू आपका नीचे आ जाएगा माइनस ही आ जाएगा, फोकस अभी हमारा कहाँ पर है, सॉरी वर्टेक्स तो हमारी जीरो जीरो पर ही है, फोकस अभी हमने करा है जीरो कॉमा ए पर करा हुआ है पॉजिटिव, ठीक है। और आपका टेंजेंट एट द वर्टेक्स, अभी टेंजेंट एट द वर्टेक्स आपके पास कैसी लाइन है, जो आपकी एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को हम कैसे बोलते हैं वाई इज इक्वल टू जीरो, और आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फिर से आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो आपकी सेम ही आएगी, यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे बनेंगे, ये कोऑर्डिनेट आपका कैसे बनेगा, अब वाई वाला पॉइंट आपका फिक्स रहेगा ए, तो जहाँ पर आपका 2a कॉमा ए हो जाएगा एंड जहाँ पर आपके पास जहाँ पर माइनस 2 है जहाँ पर आपके पास 2a कॉमा ए हो जाएगा, सो प्लस माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके हर एक केस में 4a ही रहेगा, और आपका जो है इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो कितना बन रहा है, ये ऊपर है तो y इज इक्वल टू a पर आपके पास एक लाइन चल रही है तो y इज इक्वल टू a आपका आ जाएगा, एंड जो आपकी लेंथ जहाँ पर एंड पॉइंट्स है वो कैसे हैं, x की वैल्यू 2a कॉमा a है, यहाँ पर माइनस 2a कॉमा a है, ठीक है, क्योंकि बाइक की हाइट तो सेम फिक्स रहेगी, तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस 2a कॉमा a आपके पास आ जाएगा। ये हमने कैसे कब करा, जब हमारा अपवर्ड पैराबोला, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला की बात करें वो सारे सेम हो जाएगा, वहाँ पर फोकस आपका नीचे आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स आपका ऊपर चले जाएगा, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये तो आपके पास सेम चलेंगे, लेकिन ये होगा कि जो आपका a अभी पॉजिटिव है नीचे आने पर वो माइनस का एशियो हो जाएगा, तो यदि मैं इसको रेज भी कर दूँ तब भी हम इसको लिख पाएंगे हमारे पास इनकी हेल्प के साथ, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे लिख पाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, जो डाउनवर्ड होता है वो होता है एक्स का इक्वल टू माइनस फोर ए वाई होता है, ठीक है। अब जो इसकी एक्सिस है वो तो आपकी एक्स इज इक्वल टू जीरो ही रहेगी, ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज द एक्सिस जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो आपका ऊपर आ जाएगा तो वाई इज इक्वल टू ए हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, वर्टेक्स हमने सभी की जीरो जीरो कंसिडर करी है, ठीक है। अब फोकस आपका नीचे चला गया है डाउनवर्ड तो जीरो कॉमा माइनस ए आ जाएगा जहाँ पर, और आपके पास टेंजेंट एट द वर्टेक्स आपके पास कैसी होगी, एक्स एक्सिस जिसको हम कैसे बोलते हैं y इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं, और हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होती है 4a होती है, और हमारे पास इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसकी कितनी थी y इज इक्वल टू ऊपर था अब नीचे आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए है, और जो अब आपका एंड पॉइंट है लेटेस्ट रेक्टम जो है वो हमारा डाउनवर्ड चला चुका है ना, ऐसे मैं बता भी देता हूँ इस प्रकार से, अब आपका लेटेस्ट रेक्टम जहाँ पर आ जाएगा और ये डिस्टेंस आपके पास y इज इक्वल टू माइनस ए है, तो जहाँ पर आपके पास 2a माइनस ए होगा एंड पॉइंट, जहाँ पर आपके पास माइनस 2a माइनस ए होगा, तो जी आपके पास प्लस माइनस के 2a कॉमा माइनस का a होगा, सो दिस ऑल थिंग जो हमारे पास आपको पता होना चाहिए, तो एक बार इसे नोट कर लो कैसे हमने इसको जनरेट करा और अपने माइंड में सेटअप रखो, कुछ नहीं है बस डायग्राम आपको आनी चाहिए, डायग्राम के अंदर हर चीज क्लियर होती है, तो जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो या फिर अपर से डाउन जाते हो तो कैसे आपने चेंजेस करनी, दिस इज ऑल अबाउट दैट, ठीक है। सो आज के लिए पहले इतना करते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं कोई एक एग्जाम्पल हम जहाँ पर लर्न करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो कैसा है कि फाइंड द वर्टेक्स
हमने वर्टेक्स फाइंड करनी है, एक्सिस फाइंड करनी है, फोकस फाइंड करना है, लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट एक्स माइनस सेवन। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा और साथ में जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद से करना ट्राई, उसकी स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ आपके लिए। एक्स स्क्वायर है, माइनस वाई है, माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो है। एक थर्ड इसी का सिमिलर है, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर फोर एक्स एंड प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये तीन क्वेश्चन है, एक मैं करता हूँ और बाकी के दो आपने सेम लाइन पर करने हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स फाइंड करेंगे, एक्सिस करेंगे, फोकस करेंगे, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो दिस ऑल आर द थिंग जो हमने यहाँ पर फाइंड करनी वन बाई वन क्वेश्चन को हमारे पास। तो पहले स्टेटमेंट है, तो जो भी हमारे पास जैसे लाइक हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो आपने एक्स वाले एक तरफ कर लेने हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एट एक्स और जो वाई वाला आप दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पर कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करनी है तो उसका पहला स्टेप क्या होता है कि आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन होना चाहिए। जहां पर भी वन है, जहां पर भी वन है, जहां पर भी वन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो भी आपके पास एक्स का कोएफिशिएंट है लाइक एट है, तो आपने उस एट का क्या कर लेना है, हाफ कर लेना। तो जैसे आप एट का हाफ करेंगे तो आपके पास फोर आ जाएगा। तो आपने इस फोर का क्या करना है, इसके 4 के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देना है। एडिंग 4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड करना है 4 के स्क्वायर को ऐड। तो जहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, जो x है इसका स्क्वायर, जो 4 का स्क्वायर, दोनों लिख लो ऊपर, क्या लिख लेंगे, होल स्क्वायर। जो साइन माइनस का तो माइनस बना दो। तो आपके पास एक तरफ तो रेडी हो गया है, एक्स माइनस फोर की स्क्वायर, ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर फोर की स्क्वायर और माइनस टू भी आपका जो बन जाएगा। जहां पर कितना है, टू वाई है हमारे पास, माइनस सेवन प्लस आपके पास 16 है। तो जी हमारे पास एक्स माइनस फोर की स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू वाई, और जहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा कि आप माइनस सेवन करते हैं तो आपके पास प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। इतना जहाँ पर ध्यान से देख लो। उसके बाद आप क्या करोगे, जहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स माइनस फोर वाई स्क्वायर है, जहाँ पर आपके पास जो भी वाई वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 1 कर दो। तो उसके अंदर से माइनस टू कॉमन लो, तो आपके पास ये वाई माइनस आपके पास 9/2 बन जाएगा। जैसे कॉमन लेंगे तो माइनस टू के साथ जहाँ पर डिवाइड करेंगे जहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज अवर वाई। तो एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये हमारा वाई है, ये हमारा वाई था, ये हमारा वाई था। तो हमने जहाँ पर कर दिया, दिस इज मार्क इक्वेशन नंबर 1। अब जी आपके पास जो इक्वेशन है इसके ऊपर आपने क्या करना, थोड़ी सी चेंजेस कर लेनी है। आप इसको कैसे लिखेंगे, जहाँ पर आप इसको कैपिटल एक्स कर लो, कैपिटल एक्स स्क्वायर, जहाँ पर माइनस का साइन है रहने दो, इसको आप 2 को हटा दो, जहाँ पर 4a कर लो, और जहाँ पर इसको आप कैपिटल वाई कर दो, ठीक है, इसको आप मान लो नंबर 1। तो आप लिख देना नीचे हमारे पास, वेयर हमारे पास कैपिटल एक्स हमने कितना करा है, कैपिटल एक्स हमने स्मॉल एक्स माइनस 4 करा है, एंड कैपिटल वाई हमारे पास कितना है, स्मॉल माइनस 9y, एंड 4a हमारा कितना है, 2 के इक्वल है। तो इतना हमने यहाँ पर डिस्कस करा है। एक मिनट के लिए हम देख लेते हैं कि आपको विजिबल है, यस इट इज़ विजिबल, एवरीथिंग इज क्लियर, यस ओके। तो हमने क्या करा, एक बार फिर से समझाता हूँ, जो भी आपके पास नंबर 1 जाए उसको कैपिटल एक्स कर लें, यदि हमारा वाई माइनस 1 था तो कैपिटल वाई यहाँ पर होता, तो कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस को एज इट रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 को रिप्लेस कर दो 4a के साथ, इसको कैपिटल, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ले गए। तो ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, ये हमारे पास जहाँ पर देख कर पता चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4a y। तो ये कैसा पैराबोला है, दिस इज अ डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, विच इज द इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। एंड हमारे पास जैसे हमने 4a को कंपेयर करा 2 के साथ, तो 4a हमारे पास कितना है, 2 के साथ है, तो एंड 4a हमारा कितना है, 2, तो विच इम्प्लाइज a कितना होगा आपका, 2/4, आफ्टर कटिंग आपके पास कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2 आ चुकी है। अब धीरे धीरे इसको डिस्कस करते हैं। अब आपके पास इसकी वर्टेक्स कितनी होती है, हम कोई भी पैराबोला उठाते हैं, जो हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला थे उनकी वर्टेक्स कितनी थी, 0 0 थी। तो हमारे पास जो वर्टेक्स होती है, हमारे पास वर्टेक्स कैसी होती है, वर्टेक्स के लिए हमारे पास, यदि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यदि हमारे पास, हमने लास्ट में करा था कि दिस इज माइनस 4a y, तो उसकी जो वर्टेक्स थी हमारे पास वो कितनी थी, 0 0 थी। 0 0 का मीनिंग हमारे पास एक्स भी 0 था और वाई भी 0 था। ऐसे हम इसको समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने पहले आज 4 फॉर्म करी थी, उसके अंदर वर्टेक्स, यदि हमारा पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 4a y है, तो इसकी वर्टेक्स हमारे पास 0 0 होती थी। वर्टेक्स का मीनिंग क्या होता था, बिकॉज ये एक्स और वाई हमारा वेरिएबल पॉइंट था, ठीक है।
तो हमारे पास x की वैल्यू भी जीरो थी और हमारे पास y की वैल्यू भी जीरो थी, तो दिस इज द वर्टेक्स। तो अब हमारे केस में क्या होगा, हमने जो भी हमारे पास पैराबोला आता है लाइक उसका आपने x को जीरो कर देना है, y को जीरो कर देना, आपके पास वर्टेक्स आ जाएगी। लेकिन हमारे पास क्या है, नंबर वन, यहाँ पर नंबर वन, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन बन चुकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, वर्टेक्स इज गिवन बाय, तो आप इस कैपिटल एक्स को जीरो कर दो एंड कैपिटल वाई को भी जीरो कर दो। तो जैसे आप कैपिटल एक्स को जीरो करेंगे वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स कितना था हमारे पास, स्मॉल एक्स माइनस वाई, इसका मीन स्मॉल एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और हमारे पास कैपिटल वाई का मीनिंग कितना कितना है, y माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो जहाँ से हमारे पास स्मॉल x इज इक्वल टू फोर आ जाएगा, जहाँ से स्मॉल y इज इक्वल टू नाइन ओवर टू आ जाएगा। तो देयर फोर आपके पास जो वर्टेक्स है बेटा जी वो कितनी आ जाएगी, वर्टेक्स इज इक्वल टू x कॉमा वाई, तो हम x और y की वैल्यू लिखते हैं। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, फोर x की वैल्यू है और y की वैल्यू कितनी है, नाइन बाई टू, तो दिस इज अवर वर्टेक्स। तो हमारा जो फर्स्ट चांस है जहाँ पर हो चुका है, इट इज़ वेरी इजी। पहले यहाँ पर इसको पॉज करें और इस वीडियो को यहाँ पर लिख लो, हर एक स्टेप को मैं यहाँ पर टाइम देने वाला हूँ आपके लिए। तो अंडरस्टैंड करो, जो भी आपका स्टैंडर्ड बन गया है उसको आपने कंपेयर करना और अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इस पार्ट की हमें जरूरत नहीं है तो मैं इसको रेज करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हमें क्या करना, एक्सिस फाइंड करनी है। एक्सिस के लिए मैं बता देता हूँ आपके लिए इस पैराबोला के ऊपर, तो इस पैराबोला की एक्सिस क्या थी, याद है आपको, एक पैराबोला की एक्सिस हमारे पास यदि डाउनवर्ड पैराबोला इस प्रकार से बनता है तो इसकी जो एक्सिस थी वो हमारे पास जे लाइन थी, और जे लाइन हमारे पास कैसी होती है, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम कैसे लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो हम इसको लिखते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है एक्सिस ऑफ पैराबोला वो हम कैसे फाइंड करेंगे, पैराबोला, तो जे आपने x इक्वल टू जीरो करा है किस इक्वेशन के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए वाई के अंदर, लेकिन हमारे पास क्या है, कैपिटल x है, तो हमारे पास क्या होगा, तो देयर फोर एक्सिस इज गिवन बाय कैपिटल x को आपने जीरो कर देना है, ठीक है। कैपिटल x को आप क्या करोगे, जीरो कर देंगे। तो जैसे कैपिटल x को आपने जीरो करा तो आपके पास कितना आ जाएगा, जहाँ पर इसका मीनिंग स्मॉल x माइनस फोर इज इक्वल जीरो, दैट इज आपके पास x इक्वल टू फोर। तो x इक्वल टू फोर जो लाइन होगी आपके पास वो आपकी कैसे एक्सिस हमारे पास डन होगी। एक्सिस हमने फाइंड कर ली है, वर्टेक्स हमने फाइंड कर लिया है, अब हमारे पास क्या आएगा, फोकस आएगा। तो मैं जहाँ पर वर्टेक्स को हटा देता हूँ, मेरे पास दो चीज़ें चाहिए मेरे को इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, फोकस। फोकस के लिए आपको याद होना चाहिए इसका फोकस कितना था, इसका फोकस इस प्रकार से था 0, a, इसका मीनिंग x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू कितनी थी, a थी हमारे पास। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बता देना चाहता हूँ, फोकस हमारे पास होता है 0, a होता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, x हमारे पास 0 थी एंड y इज इक्वल टू a था, ठीक है। जे हम कहाँ पर करें, अपने माइंड के अंदर कंसेप्ट बिल्ड करें। तो अब आप कैसे करेंगे कि फोकस इज गिवन बाय, वेरी इजी, इज गिवन बाय, तो आपने कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, एंड कैपिटल वैल्यू वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, स्मॉल ए के इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पर कैपिटल एक्स का मीनिंग स्मॉल एक्स माइनस फोर जीरो है, कैपिटल वाई का मीनिंग हमारे पास कितना है बेटा जी, स्मॉल वाई माइनस नाइन बाय टू, और ए हमारे पास कितनी थी हमने फाइंड करी थी, वन बाय टू। तो जहाँ से एक्स इक्वल टू ए आ जाएगा एंड वाई इज इक्वल टू वन बाय टू प्लस नाइन बाई टू, तो कटिंग करने के बाद आपके पास फाइव आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास जो फोकस है हमारे पास वो कितना आएगा, या इसके अंदर एक मिस्टेक होगी मेरे से, जो हमारे पास डाउनवर्ड होता है उसका फोकस माइनस होता है, उसका फोकस माइनस होता है, जहाँ पर माइनस आ जाएगा, जहाँ पर माइनस है तो नाइन माइनस वन आपके पास एट, एट बाई टू आपके पास फोर आ जाएगा। तो देयरफॉर आपके पास जो फोकस का कोऑर्डिनेट है, तो आप कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो, स्मॉल एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू आपके पास 4, 4 आ जाएंगे। तो फोकस हमारा कितना हो गया, 4, 4 हो जाएगा। तो हमने फोकस भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास क्या बचता है, लेटेस्ट रेक्टम बचाता है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और सिंपल लेटेस्ट रेक्टम। यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ नहीं है, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन पूछी गई है, ठीक है। तो इतना तो हमारा हो चुका है, लास्ट हम कर लेते हैं लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशंस क्या होती हैं, वो भी मैं इसी के अंदर से आपको समझाता हूँ, चला जाऊँगा साथ में, ओके।
यदि आपको लेटेस्ट सिम्पटम की लेंथ पता करनी हो तो वो कितनी थी हमारे पास, यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ, वो चीज़ें इन्होंने पूछी नहीं है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मैं आपको बता देता हूँ कितनी होती है, 4 into a होती है, और 4a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2 थी, तो जी हमारे पास लेंथ 2 आ जाएगी। लेंथ आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये तो हमने a की वैल्यू 1/2 पुट करो आपका हो जाएगा जी, मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करनी है। अब इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे लेटेस्ट एटम की, ज़्यादा आपको लेटेस्ट एटम कैसा था इसके अंदर वो आपको डायग्राम, मैंने इसलिए बोला था कि डायग्राम आप अपनी याद रखो हर एक टाइम पर, वही हमारे पास हेल्प करेगी। यदि हमारा डाउनवर्ड पैराबोला चलता है इस प्रकार से, तो जहाँ पर हमारा फोकस होता है 0, -a, तो इसके अंदर से जो लाइन होती है वो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम होती है। तो जब ये लाइन कैसे हम ड्रॉ करेंगे, इसका मीनिंग वाई से हम नीचे गए -y, तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है y = -a। वाई का मीनिंग हमारे पास कितना है, y - 9/2 which is = -1/2, सो y = -1/2 + 9/2, तो आपके पास 4 आ जाएगा, तो देखो फिर आपका y = 4 लिख सकते हैं, और y - 4 = 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये तो वो बातें हैं जो उन्होंने हमें डायरेक्ट पूछ लिया, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने डायरेक्ट इसकी बात नहीं करी, मैं वो भी यहीं पर आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने रेज कर दिया यार, वो क्या था, जा रखो x = x - 4 था एंड कैपिटल y = y - 9/2 था, इतना था, ठीक है। और ये हमारे पास कितना है, 1/2 है। अब इस इक्वेशन के अंदर डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है, डायरेक्ट्रिक्स का जहाँ पर चलेगा y = +a, तो यदि मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन लिखना ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो कितनी होती है, कैपिटल y = A के स्मॉल a के इक्वल, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, y - 9/2 = 1/2, इसका मीनिंग y = 1/2 + 9/2, एलसीएम लेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, सो y - 5 = 0 आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ये भी हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब और इसके अंदर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हमारा वो भी हो गया, और इसके ऊपर ओके, यदि मैं टेंजेंट की बात करूं, टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो अभी हमने कितने कर लिए हैं, मेरे को नहीं पता, 1, 2, 3, 4 तो उन्होंने पूछा था, और ये मैंने 5th कर रहा था, ये मैंने 6th रिजल्ट कर रहा था। यदि मैं 7th रिजल्ट आपके लिए करना चाहता हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड करनी है एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स आपको पता है कि हमारे पास कैसी थी, अब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, और एक्स एक्सिस को हम कैसे लिखते हैं, y = 0 की फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर कैपिटल y = 0, दैट इज हमारे पास y - 9/2 = 0, इसका मीनिंग y = 9/2 आपके पास होगा। और आप इसको और अच्छा करना चाहते हो तो आप 2y इस प्रकार ले, -9 और आपके पास 2y - 9 = 0, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ठीक है। तो आपका बिकॉज वर्टेक्स भी इसका ओरिजिन पर नहीं था, किसी और पॉइंट पर था, और उसके ऊपर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आपके पास लाइन होगी इस प्रकार की, y = 9/2, दिस इज द थिंग, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स भी होगी, और क्या आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर इसके एंड पॉइंट डिस्कस करें, कैसे होते हैं एंड पॉइंट, तो मैंने आपको बताया था कि इसके जो एंड पॉइंट होते हैं, जहाँ पर आपका x इधर है तो -2 है और -a चलेगा, एंड जहाँ पर आपके पास 2a एंड -a चलेगा, तो जी हम इसके एंड पॉइंट्स की बात कर सकते हैं। तो अब इसके एंड पॉइंट कैसे देखने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, हर एक चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और फिर से अरेज हो गया हमारे पास, ये इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये हर एवरी टाइम अरेज हो रहा है हमारे पास, ठीक है। एक बार वीडियो देख लेते हैं क्लैरिटी कैसे, हमारे पास 27 मिनट की तो हो चुकी है ऑलरेडी वीडियो हमारी, कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर सीखना है। तो अब हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, दैट इज एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं जो कैपिटल एक्स होता है, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है, जहाँ पर इस केस में हमारे पास x की वैल्यू -2 + -2a एंड y की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है -a, किस फॉर्म में, जब हमारा जो स्टैंडर्ड चलता है, हमने अपने वाले को भी ऐसे फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कैपिटल x हमारा कितना होगा -2a
एंड कैपिटल वाई कितना होगा, सिंपली माइनस ए होगा। कैपिटल एक्स का मीनिंग एक्स माइनस फोर हमारे पास प्लस माइनस टू, ए की वैल्यू पुट कर दो 1/2। इसका मीनिंग वाई माइनस 9/2, ए की वैल्यू पुट कर दो माइनस 1/2। इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ये फोर उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस जहाँ पर कटिंग करके वन आ जाएगा। एंड वाई कितना आएगा, माइनस 1/2 प्लस 9/2। तो जहाँ पर आपके पास एक्स की वैल्यू एक तो 5 आ सकती है, एक आपके पास 3 आ सकती है, तो y आपके कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमारे पास जो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स है वो आपका एक 4.5.4 आ जाएगा, एक आपके पास 3.4 आ जाएगा। तो इस प्रकार के आपके पास लेटेस्ट रेक्टम चलेगा, ठीक है, एक आपका 5.4 होगा, एक आपका 3.4 होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो भी करा वो ठीक है, हमारा ए की वैल्यू, बिकॉज ए की वैल्यू बहुत कम है 1/2, सो हमने लेटेस्ट इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट एक्टम भी फाइंड कर दिए। ऑलमोस्ट जब आप कुछ भी कर सकते हो फाइंड, तो मेरे अकॉर्डिंग आज की वीडियो में इतना करते हैं। तो आपने शायद अच्छा यदि आपको लगा होगा तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताना। आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, लेकिन मेरे को था कि हमने न्यू स्टार्ट करना है, बच्चों की डिमांड है इसकी। तो ये बच्चा आपको हर एक क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे ही हम डेप्थ में करने वाले हैं। आपने जो दो होमवर्क कर लेने हैं खुद से और मेरे को बताना नीचे करके। और यदि आपको पैराबोला की वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि आप पैराबोला मेरे साथ करना चाहते हो, आप मतलब हैंडराइटिंग ज्योमेट्री मेरे साथ करना चाहते हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। तो वहाँ पर मैं आपको अपना टेलीग्राम का लिंक दूंगा, इसका जो पेड कोर्स होगा बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होंगे, तो इसके जो चार्जेस वो हम वहाँ पर टेलीग्राम पर डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जहाँ पर आप फाइंड कर लेना, हमारा मेरा नेम है कमलदीप नीचे, ठीक है। यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम पर आप इसको फाइंड कर सकते हैं कमलदीप नेचर, वहाँ पर मेरे को मैसेज कर देना एनालिटिक के रिगार्डिंग, तो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है इसको। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे को बताना, और यदि आपको और डिटेल चाहिए तो एनालिसिस का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसके अंदर 23 वीडियो नंबर है ऑनलाइन, उस प्लेलिस्ट के अंदर लास्ट एक वीडियो है जहां पर लिखा हुआ है कि पेड कोर्सेज फॉर एनालिसिस, तो जो फंडा उसके लिए है वही फंडा इसके लिए चलेगा सेम, ठीक है। तो आप आइए बात करिए, हम बात करके देखेंगे कि हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करना कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड होप सो सब कुछ अच्छा हो। बाय बाय।